एवरीवन, नाज़ुक दिस साइड फ्रॉम टीम डेफोडिल्स एंड मेरे हाथ में आज फिर एक और पासपोर्ट है। एंड ये पासपोर्ट की खासियत ये है, स्टैम्प तो होके आया है, बट जिनका ये स्टैम्प होके आया उससे पहले उनकी दो रिफ्यूजल्स थी एंड इसके बाद इन्होंने अपना केस लगवाया और 20 डेज में इनका वीजा आ गया। तो चलिए जानते हैं परमिंदर से जिनका वीजा आ चुका है। परमिंदर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। भाई अभी मैंने देना नहीं है, मुझे थोड़े अपने हाथ में क्योंकि मतलब आपके पास तो अपने हाथ में रख के ना फिर जिनकी फाइलें रखनी वाली होती है ना वो पीसीस पे हाथ लगा देती हूँ। परमिंदर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मेरे पहले 2 रिफ्यूजल्स थी तो मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं था कि अब कुछ होगा, बट जब मैंने यहाँ पे विजिट किया आपकी टीम ने भी मुझे मतलब इतना वो दिया कि हाँ मैं जा सकती हूँ, तो मतलब अभी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आई एम टू एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू कैनेडा। सो थैंक यू टू यू। आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टीम, उनके एफर्ट्स हैं एंड उनकी पॉजिटिविटी आई गेस कि बहुत पॉजिटिव है अपने बच्चों को लेके। अच्छा, डेफरेंस के बारे में कहाँ से पता चला? वो एक्चुअली मैम हमारे रिलेशन से ही, यहाँ से किसी ने फाइल लगवाई थी सो उन्होंने बताया कि रिफ्यूज्ड केसेस में ये मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका, सो दैट्स व्हाई आई विजिटेड। ठीक है, तो हम जा रही इसलिए जाते मेरे ख्याल से कि जिनका कुछ नहीं बनता उनका डेफरेंस में बनता, चाहे आईएलएस हो, स्टडी वीजा हो। गाइस, अगर आपका फ्रेश केस है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि 6 महीने आईएलएस में वेस्ट करके या वीजा के वेस्ट करके आप इधर आओ, डायरेक्ट आ सकते हो। ओके, ठीक है। तो जैसे आपको रिलेशंस में जिन्होंने बताया, उन्होंने आपको बताया तो उन्होंने आपको क्या बोला? यही कि मैम उनकी भी मतलब एक रिफ्यूजल थी पहले, तो उन्होंने बोला कि आप उनके पास जाओ, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो जब हमने भी यहाँ विजिट किया तो हमें एक मतलब ऐसी उम्मीद थी कि हाँ हम बाहर जा सकते हैं, जैसे इन्होंने हमें गाइड किया। सो आप रिजल्ट देखिए, मैं सुप्रीत मैम से मिली थी। सुप्रीत मैम, हाँ जी, ठीक है। तो सुप्रीत मैम ने जैसे आपको चीजें बताई, गाइड किया, तो आपको कैसा लगा था? मैम बहुत अच्छा लगा था मुझे, मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ यार है कुछ, मतलब मैं जा सकती हूँ अभी बाहर टीम की वजह से। सो रिजल्ट टीम की वजह से नहीं था, लेट मी टेल यू दैट इज बिकॉज ऑफ यू, आपके विश्वास के कारण हमारे हाथ में ये है। सच बता रही हूँ, जिन लोगों को विश्वास होता है ना, पॉजिटिव होते हैं, उनके काम बनते हैं डेफोडिल्स में, जो आगे उनके रिव्यू लगते हैं। तो लास्ट क्वालिफिकेशन क्या थी? 12th विद ओनली 50%, 57%। ओके, एंड आईएसबी कितना स्कोर? 6.5। नाइस, एंड अब आप कौन से कॉलेज आ रहे हो? कैम्ब्रिया कॉलेज वैंकूवर। ठीक है, एंड क्या कोर्स चूज किया? डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो परमिंदर ये जो कोर्स आपने चूज किया है, क्या जितना पैसा इसके ऊपर लगा रहे हो वहाँ पे पहुँचने के बाद, जब ये कोर्स शुरू होगा उसके बाद, आप कोर्स खत्म करने के बाद आप ये पैसा सारा निकाल पाओगे, इससे ज्यादा निकाल पाओगे, क्या है कुछ? मैम ज्यादा निकालेंगे। ओके, कोर्स के बारे में स्टडी किया? थोड़ा बहुत किया है मैम, जैसे अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी लगी हैं 3 डेज, सो लिटिल बिट पता लग रहा है। जैसे मेरे पास पहले इकोनॉमिक्स भी थी 12th में, सो अभी लिटिल बिट धीरे धीरे और पता लगेगा कोर्स के बारे में। इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? अभी तो मैम लिटिल बिट टफ लग रहा है, बट यूज टू हो जाएंगे तो इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो स्टडी का कल्चर है या वर्क कल्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो आपको जब ईमेल आई, तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट डे, जिस दिन वीजा आया, जिस दिन वो क्या था, कौन सा दिन था? मतलब 12th 11th था, 11 डेज थी, संडे था उस दिन। मैं अपने मतलब मैटरनल होम में थी। ओके, मेरे को मतलब अपने पेरेंट्स को भी बताने का ये नहीं था कि हाँ मैं बताऊँ इनको, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि वीजा आया और रिफ्यूज हुआ है केस। तो नेक्स्ट डे जब मैंने मैम को कॉल भी किया, इन्होंने बोला कि जस्ट वेट हम आपको बताते हैं, उसके बाद मैंने अपने मदर को बोला कि नहीं मैंने कॉल नहीं पिक करनी, आप पिक करो, उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ भाई वीजा आ गया। तो मम्मा को पता चला वीजा आ गया, तो मम्मा ने क्या बोला आपको? मम्मा ने मेरे को यही बोला, मम्मा ना मैम से भी बार बार कन्फर्म करे, पक्का वीजा आ गया, पक्का परमिंदर का ही वीजा है। फिर मम्मा ने क्या बोला? She is so happy that day. ठीक है, तो उसके बाद पापा को बताया? हाँ जी, पापा को, मम्मा ने बताया कि आपने बताया? नहीं, मेरे ब्रदर ने बता दिया था एक्चुअली। ओके, तो उसने कॉल किया, क्या किया? वो शॉप पे चला गया था, तब उन्होंने बताया, पापा को बता दिया। तो चलो इनके पापा से जानते हैं, जब इनको पता चला तो कैसा लगा? सर सर, जब आपको इनके ब्रदर ने बताया, ब्रदर आ जा, आ जा। जी। तो आपको कैसा लगा?
एक्चुअली ना पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि ना पहले वो रिफ्यूजल के कारण ना थोड़ा ऐसा डर लग रहा था ना कि पता नहीं क्या होगा, बट एकदम जब शॉक लगा तो बहुत अच्छा लगा, वीजा आया। जी जी, नहीं मैम मेरे को ना बहुत अच्छी सर्विस लगी और सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, अच्छे से सब कुछ मैनेज करता है, कोई बात ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई। थैंक यू थैंक यू। सर एक और चीज पूछना चाहूंगी आपको कि जैसे आपको काउंसलिंग मिली जब आप पहली बार आए, जी आपको काउंसलिंग मिली, तो एकदम होता है कि जब आप बहुत निराश होते दो रिफ्यूजल के बाद, तो आपको इनकी कौन सी चीज अच्छी लगी कि आपने कहा कि नहीं अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करवाता हूँ, क्योंकि बेटी का मामला है कि ऑलरेडी दो बार ठोकर लग चुकी है। जी जी बिल्कुल मैम, एक्चुअली ना सच बताऊं तो बिल्कुल ना मन निराश था, ऐसा नहीं था, बट हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अगर ये कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। पता क्या, एक्साइटेड हूँ मैं बता नहीं सकता, बट मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू। जी 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 बिल्कुल, ये टैटू भी बनाती है, टैटू भी बनाती है ये। अरे वाह, अभी सीखा है तो परमिंदर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी है, खाना बनाना तो चलो आ ही चाहिए एंड टैटू भी इनको करना आता है, वाओ। एंड परमिंदर जो लाइफ शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तो आप प्लस टू आपने की है, तो अभी तो यू नो यू आर मॉम एंड डैड प्रिंसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अभी एक एक्चुअली एक स्ट्रगल फेज शुरू होने वाला है असली, क्योंकि बहुत बहुत लोगों के रंग देखने को मिलेंगे, ओवरसीज जा रहे हो, खुद का सर्वाइवल करना है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो? यस मैम, मतलब पहले तो ऐसे था कि मैंने ब्रम्पटन साइड जाना था, मेरी सिस्टर है वहाँ पे बड़ी, बट अभी वैंकूवर जाना है, वहाँ पे है भी नहीं कोई, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है जैसे अकेली जा रही हूँ, बट ट्रस्ट है कि मतलब जो गोल्स लिए हैं वो अचीव जरूर करूंगी, मेहनत करूंगी। जैसे आप कंफ्यूज थे या आप निराश थे, तो ऐसे और भी लोग हैं जिनको बहुत कंफ्यूजन है, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे? यस, कि प्लीज डैफोडिल्स विजिट करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी फाइल में रिफ्यूजल के रिगार्डिंग या कोई भी, सो प्लीज विजिट डैफोडिल्स टीम एंड मीट द टीम। तो हमारी टीम से मिलिएगा, हमारी टीम बहुत अच्छी है, अगर कुछ अच्छा नहीं होता तो हम और अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि बिहाइंड श्याम सर, काव्य मैम, नाजुक मैम है जो पूरी टीम की वाट लगा के रखते हैं, तो ये सच्चाई बता रही हूँ, हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत दिल से करती है। तो अगर आपको अपने पासपोर्ट पे ऐसी स्टैम्प चाहिए तो डैफोडिल्स आइए। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू।